हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। इस वीडियो में आज हम रविवार 11 मार्च 2018 को बिहार SI एग्जाम जो आयोजित हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या की चर्चा करेंगे और उसके उत्तर की व्याख्या भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, ये समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाने को ही ओजोन छिद्र कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर। चौथा प्रश्न है, ये दरअसल मिलान करने के लिए दिया गया था, एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य हैं, जिसमें पहला है इंद्रावती, उसके सामने कर्नाटक है, पेरियार सामने उड़ीसा, सिंपलीपाल केरल, बांदीपुर छत्तीसगढ़। तो इसमें जो है इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है, पेरियार केरल में है, सिंपलीपाल उड़ीसा में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। तो इसका उत्तर होगा A4 B2 C3 D1। पांचवा प्रश्न है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? आसान प्रश्न है, इसका उत्तर होगा हाइड्रोमीटर। छठा प्रश्न में भी फिर मिलान करने वाला प्रश्न है, एक तरफ उद्योग है उससे दूसरी तरफ उसे संबंधित उसकी स्थिति कहाँ है, अवस्थिति उसकी है कहाँ, उसको मिलान करना है, रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, पोत निर्माण, साइकिल उससे संबंधित हैं, कोची लुधियाना भिलाई जबलपुर, इसमें मिलान करना है। तो रेलवे उपकरण कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेलवे उपकरण भिलाई में बनाए जाते हैं। मोटर वाहन संबंधित है जबलपुर से, पोत निर्माण कोची और साइकिल लुधियाना से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परावर्तित कर देते हैं, किस रूप में परावर्तित करते हैं? ये है, ऑप्शन के अनुसार उत्तर होगा, मुक्त नाइट्रोजन के रूप में परावर्तित कर देते हैं। पौधे जो है मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और उसे मुक्त नाइट्रोजन में परावर्तित कर देते हैं। आठवां प्रश्न है, हवा से परागण को क्या कहते हैं? हवा से परागण को वायु परागण कहते हैं। नवा प्रश्न, युवा YUVA जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, मतलब किस विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है? उसके ऑप्शन के अनुसार जो चार विकल्प दिए हुए थे उसमें उसके अनुसार इसका उत्तर है राष्ट्रीय कौशल विकास समिति। दसवां प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर ही है, आसान प्रश्न था ये। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया जो है असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। बारहवां प्रश्न जो है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा सिंदरी, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट सिंदरी में स्थापित किया गया। तेरहवां प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? यानी समस्थानिक किसको कहते हैं? तो हम जानते हैं समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। चौदहवां प्रश्न है, किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? इसका उत्तर होगा गुरु अंगद, आसान प्रश्न था। पंद्रहवां, ये कथन है और उसके साथ एक तर्क है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं, बारहमासी नदियां मतलब बारह मास उसमें पानी होता है,
तर्क क्या दिया गया है कि क्या हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिवानी में स्थित है, इसलिए ऐसा है। तो उसमें ये कहना था, क्या ये सही है या तर्क सही है या दोनों गलत है या एक की व्याख्या आर करता है कि नहीं। तो यहाँ जो होगा, कथन ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक की सही व्याख्या करता है, यानी हिमालयी नदियाँ जो बारहमासी हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि उसका स्रोत हिमानी में है, बर्फ से है, इसलिए वो बारहमासी नदियाँ हैं। 16वां प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य में मान्यता जरूरी है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए कम से कम 4 राज्य में मान्यता जरूरी होता है। निम्बू बाजगो बांध किस नदी पर बना है, तो ये सिंधु नदी पर बना है। 17वां प्रश्न है, निम्बू बाजगो बांध किस नदी पर बना है, इसका उत्तर होगा सिंधु। 18वां प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, यानी किसी वस्तु की कीमत जब बढ़ जाती है तो इसका क्या मतलब होता है अर्थशास्त्र की भाषा में। इसका मतलब होता है मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ गई और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यानी कि जो मुद्रा का वैल्यू इतना था, 10 रुपया में हम 5 आम खरीदते थे, अब 10 रुपया में 2 ही आम मिल रहे हैं, तो क्या हुआ, मुद्रा का वैल्यू घट गया, वही है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ गया। किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था कृषि ऋण, जो प्रथम सहकारी आंदोलन था वो कृषि ऋण से संबंधित था। 19वां प्रश्न था ये। 20वां प्रश्न है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। इसमें मैंने ऑप्शन इसलिए दे दिए कि बिना ऑप्शन का समझ में नहीं आएगा। पहला है इसमें उबालना, दूसरा है निस्पंदन, तीसरा है क्लोरीनीकरण, चौथा है पराबैंगनी विकिरण। इसमें उबालना, क्लोरीनीकरण और पराबैंगनी किरण, इसमें से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। लेकिन निस्पंदन, निस्पंदन का मतलब होता है छानना, उसमें क्या है सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए उसका उत्तर होगा बी। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है, 21वां नंबर प्रश्न है, तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। 22वां प्रश्न है, कीट दंश से होने वाली खुजली किस अम्ल के कारण होती है। खुजली या कहें पेन, दर्द जो होता है कीट के काटने से, कीट में जैसे हमें चींटी भी काट लेती है, तो वो जो दर्द का हम लोग को अनुभव होता है किसके कारण होता है, तो फॉर्मिक एसिड वो हमारे शरीर में छोड़ती है, इसके कारण दर्द होता है। 23वां प्रश्न है, निम्न हस्तियों में से कौन थिएटर से जुड़े हैं, वो हस्तियां हैं नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर, मकरंद देशपांडे, ये सारे लोग जो हैं थिएटर से जुड़े हैं, मतलब इसका उत्तर होगा उपयुक्त, सभी सभी लोग थिएटर से जुड़े व्यक्ति हैं। 24वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, इसका उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर। 25वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इस ऑप्शन है केनिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राजील, इसका उत्तर होगा मैक्सिको। भूमध्य रेखा लगभग 14 देश से होकर गुजरती है, या तो स्थल से या उनके जल क्षेत्र से होकर 14 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से मैक्सिको से वो नहीं गुजरती है, इसका उत्तर होगा मैक्सिको। 26वां प्रश्न है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो जो विकल्प में दिया हुआ था उसके अनुसार इसका उत्तर होगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। 27वां प्रश्न है, विश्व इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछा गया, ज्यादा नहीं घुमाया फिर भी हल्का सा, ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसी की चर्चा हो रही है। 28वां प्रश्न है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है, ऑप्शन के अनुसार जो है उसमें कर और लेखांकन से संबंधित रखता है हस्तांतरण मूल्य का संबंध, तो इसका उत्तर होगा कर और लेखांकन। 29वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया, ये लॉर्ड हार्डिंग है। 30वां प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच साधारणतया कितना होता है, साधारणतया पीएच जो होता है 7.35 से 7.45 के बीच होता है, बहुत ही कम
अंतराल होता है, लेकिन जो विकल्प में दिया हुआ था वो 7.5 और 8 सबसे नजदीकी विकल्प था उसका, इसलिए मैंने इसका उत्तर 7.5 से 8 दिया है। इसकी दूसरी कड़ी मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लाभप्रद होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो बिहार SI का प्रश्न है, ये आगे CDPO एग्जाम होने वाली जो है उसके लिए बहुत ही मार्गदर्शन का काम करेगा कि किस स्तर का प्रश्न पूछ रहा है, आप देख ही सकते हैं आप लोग।